इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं शिबुया का एरिया, मोर स्पेसिफिकली शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर, शिबुया क्रॉसिंग और एक कैट कैफे, जो कि एक ऐसा कैफे है जहां पे बैठ के आप अपना काम वगैरह कर सकते हैं लेकिन आपके आसपास ढेरों बिल्लियां फिर रही होती हैं। तो हमारा आज का सफर शुरू होता है शिबुया क्रॉसिंग से। ये टोक्यो में एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे पीक आवर्स में जब इशारा खुलता है तो 2500 से 3000 बंदा सड़क क्रॉस करता है एक ही टाइम पे। शिबुया डाउनटाउन टोक्यो में मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। ये मेरे पीछे शिबुया क्रॉसिंग है, ये लोग खड़े होकर भी वेट कर रहे हैं इसका खुलने का। ये बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दुनिया में मानी जाती है। तो एक दफ़ा इशारा खुलता है तो यहाँ शिबुया क्रॉसिंग से गुजरते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर ये स्क्रैम्बल स्क्वायर में। यहाँ पे टॉप फ्लोर से ना इसका शिबुया क्रॉसिंग का बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है। यहाँ से नज़र आ रहा है जो फेमस 3D पांडा का बिलबोर्ड लगा है ना, ये इस बिलबोर्ड के पास भी आते हैं। अब ये 3D वाले बिलबोर्ड्स टोक्यो में तीन फेमस लोकेशंस पे लगे हुए हैं। पहला है शिंजुकू की 3D कैट, ये तो आपने इंटरनेट पे देखी होगी। दूसरा अकीता इनू है और ये पांडा का बिलबोर्ड है 3D जो के मौजूद है शिबुया में। इसके बाद हम लोग जाएंगे शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर। अब ये आइकॉनिक बिल्डिंग शिबुया स्टेशन से कनेक्टेड है और इसके टॉप पे आइकॉनिक ऑब्जर्वेशन डेक है जिसे कहते हैं शिबुया स्काई। पांडा देख लिया है तो अब हम लोग चलते हैं शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर की तरफ। वो सामने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे ऊपर जाते हैं और वहाँ से शिबुया क्रॉसिंग नीचे देखते हैं। मैं 12th फ्लोर पे आ गया हूँ और ये वाला फ्लोर डेडिकेटेड है रेस्टोरेंट्स वगैरह को ना, तो यहाँ पे आई थिंक सो विंडोज़ वगैरह हैं और नीचे देखते हैं, होपफुली बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा यहाँ से शिबुया क्रॉसिंग को। आजकल जापान में छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए ज़्यादा जो जैपनीज़ लोग हैं ना वो इधर नहीं आपको मिलेंगे, ज़्यादातर सिर्फ टूरिस्ट हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश भी नहीं है शिबुया क्रॉसिंग में, क्योंकि जितने भी जैपनीज है ना वो छुट्टियों में टोक्यो से बाहर के एरियाज वगैरह घूमने गए होते हैं। लेकिन ये बाकी शिबुया का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है इधर से। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ से ऊपर जो टॉप फ्लोर है वो शिबुया स्काई है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए बुकिंग करवानी होती है, वो हमेशा बहुत बिजी होता है। तो एक दफ़ा जाकर बल्कि ट्राई कर ही लेते हैं। ये 14th फ्लोर पर आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर शिबुया स्काई है, तो लेट्स सी अगर इसकी यहाँ पे ऑन द स्पॉट टिकट्स मिलती हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे तो लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है। हाँ, टुडेज़ टिकट सोल्ड आउट। अगली लोकेशन जो हमने एक्सप्लोर करनी है वो है मियाशिता पार्क। अब ये पार्क एक 4-story मॉल के ऊपर लोकेटेड है, तो शिबुया के बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स के दरमियान में ये पार्क बहुत ही खूबसूरत लगता है। वी आर बैक डाउन फ्रॉम स्क्रैम्बल स्क्वायर और अब जाके एक्सप्लोर करना है मियाशिता पार्क। हम लोग आ गए हैं इधर टॉप पे मियाशिता पार्क के। ये बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह बनाई हुई है। अब यहाँ पे शिबुया स्टेशन की एंट्रेंस है और यहाँ पे सामने स्टैचू लगा हुआ है हाचिको डॉग का, वो स्टैचू लगा हुआ है और ये लोग लाइन में लगे हैं उसके साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए। द हाचिको डॉग इज नोन फॉर हिज रिमार्केबल लॉयल्टी। ये डॉग अपने ओनर का काम से वापस आने के लिए शिबुया स्टेशन पे वेट करता था डेली। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ओनर इस डॉग ने अपने ओनर के लिए शिबुया स्टेशन पे 9 साल तक इंतजार किया बिफोर फाइनली डाइंग हिमसेल्फ। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज अ फेमस कैट कैफे। एक कैट कैफे टोक्यो में बहुत ज्यादा फेमस है और शिबुया अलोन में इसकी 2 ब्रांचेस है। हम लोग पहुँच गए हैं इधर और ये इसके 8th फ्लोर पे है ऊपर कैट कैफे, तो जाके देखते हैं कि रिजर्व्ड है कि नहीं है, ऑन द स्पॉट टिकट मिलेगी या नहीं। तो अपने शूज़ उतार के ना इधर रखती हैं शूज़, और फिर ना इन्होंने यहाँ पे ये शूज़ साफ़ करने वाली मशीन है, तो साफ़ शूज़ पहन के सिर्फ अलाउड है अंदर जाना। आप कैट कैफे में बैठ के आप अपना काम वगैरह कर सकते हैं, बट यू आर गोना बी डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दोस कैट्स मूविंग अराउंड। कैट कैफे के अंदर आ चुके हैं, देखो बिल्लियाँ बैठी हैं, इनको होल्ड करना अलाउड नहीं है लेकिन प्यार वगैरह कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे मतलब चाय पानी का भी
इंतज़ाम है। और यहाँ पे ना ये मांगा कॉमिक बुक्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, आप मांगा वगैरह भी पढ़ना चाहो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये भी इंतज़ाम है यहाँ पे, और खाने पीने का भी इंतज़ाम है। और इन्होंने दो फ्लोर अपने आप को मुतय्यन किए हुए हैं, तो ये 8th फ्लोर भी इनका है और 9th फ्लोर भी इनका ही है। तो अगर हम यहाँ से अपस्टेयर्स जाएं तो ऊपर भी बिल्लियाँ होंगी। ये सारी बिल्लियाँ इधर जमा हुई हैं और ये वाली उनसे अलहदा अकेली बैठी हुई है। हैं भाई क्या मसला है, तंग करते हैं इंसान है, इंग्लिश तंग करते हैं तुझे है। यहाँ पे कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं और बिल्लियाँ भी फेर रही होती हैं हर जगह पे। ये देखो बिल्लियों के नाम वगैरह भी यहाँ पे वॉल पे हैं। दैट वाज द कैट कैफे, डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। अभी रात काफ़ी हो रही है तो, लेकिन आई विल डेफिनेटली कम बैक हियर अगेन। लास्टली लेट्स मेक अ स्टॉप एट पार्को। अब पार्को फेमस है इसकी निंटेंडो शॉप के लिए, कैपकॉम, पोकेमोन सेंटर और एक जंप शॉप के लिए। तो अगर आप एक वीब हैं देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। पार्कों में आ गए हैं ऊपर और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी पोकेमोन शॉप बनी हुई है। पोकेमोन से रिलेटेड प्रीटी मच हर चीज़ है यहाँ पे, स्टफ टॉयज, प्लशीज वगैरह, की चेन, स्टिकर्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे वी हैव जंप शॉप, तो जंप के जितने भी कॉमिक्स मांगाज वगैरह हैं ना फेमस, वन पीस भी, जितने भी जंप में पब्लिश होते हैं ये उनके लिए शॉप है। अब वापस जा रहा हूँ मैं मियाशिता पार्क, वहाँ पे जुजुत्सु काइसन की ओनिगिरी मिलती है, तो वो जाके वहाँ पे ट्राई करते हैं। ये जुजुत्सु काइसन ओनिगिरी है लेकिन दिस इज सोल्ड आउट, ऑफ कोर्स फेमस बड़ा ज़्यादा है सीज़न, तो सोल्ड आउट है ओनिगिरी सारी। We're back here at Shibuya Crossing और as always ये जगह बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अब हर तरफ से देखो लोग क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है, इशारा खुला है। तो ये वो पांडा है एट नाइट टाइम, बेसिकली हर वक्त ये बिलबोर्ड चल रहा होता है 3D पांडा का।